हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 8। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द कस्टम मॉड्यूल। गाइस, किस तरीके से हम एक कस्टम मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं एंड देन गाइस उसका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मेन फाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर मैंने दो फाइल बनाई हुई हैं ऑलरेडी। एक का नाम है कस्टम मोड डॉट जे, जिसके अंदर हम जो है अपना कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, एंड जो दूसरी हमारी फाइल है एल एड डॉट जे एस के नाम से, जहाँ पर हम इस मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। ओके, आपने जो है ये स्क्रीन जो है स्प्लिट कर लेनी है। इस आइकन पर जाकर जो स्क्रीन वो है स्प्लिट हो जाती है। ओके, आप इस आइकन पर क्लिक करें एंड देन स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। वो बिल्ट इन मॉड्यूल है, लेकिन यहाँ पर हम एक कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करने वाले हैं एंड देन उसको अपनी मेन फाइल में यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, वो ये कि जो भी फाइल होती है वो अपने आप में एक मॉड्यूल होती है। सिंपल, यानी कि जैसे कि एक फाइल है कस्टम मोड डॉट जेएस, तो ये अपने आप में क्या है गाइस, एक मॉड्यूल है, और जो इस फाइल का नाम है वही मॉड्यूल का नाम होगा। ओके, यानी कि मॉड्यूल का नाम क्या होगा, कस्टम मोड। ठीक है, कस्टम मोड डॉट जेएस नहीं होगा क्योंकि डॉट जेएस वो एक्सटेंशन है। सिर्फ मॉड्यूल का नाम क्या होगा गाइस, कस्टम मोड होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो फाइल का नाम है वही क्या होगा, एक मॉड्यूल का नाम होगा। यहाँ पर नाम क्या है, कस्टम मोड। देन गाइस, मैं यहाँ पर कुछ फंक्शन क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ ऐड नाम का। गाइस, मैंने यहाँ पर फंक्शन ऐड क्रिएट किया और मैं यहाँ पर दो पैरामीटर पास करूँगा, ए एंड बी, एंड ये गाइस की होगी बॉडी। देन गाइस, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कंसोल का, कंसोल डॉट लॉक का। ओके, एंड देन गाइस, मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर्मूला ऐड करने का, यानी कि मैं क्या कर दूँगा गाइस, ए प्लस बी। ओके, सिंपल, ये सिंपल सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इतनी जावास्क्रिप्ट हम पढ़ चुके हैं ताकि आपको एक कोड आसानी से समझ में आ जाए। आई थिंक आ भी गया होगा। बस अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, देन गाइस, हम क्या करेंगे, वही सिंपल तरीका एक मॉड्यूल को यूज़ करने का। वह तरीका क्या है, हमें क्या करना है, रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करना है एंड देन विद इन द सिंगल कोट्स एंड द डबल कोट्स वी यूज़ द मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पर हमारे मॉड्यूल का नाम क्या है, कस्टम मोड। ओके, तो देन गाइस, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा रिक्वायर करके। ओके, फंक्शन क्रिएट नहीं करूँगा, यानी मतलब रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करूँगा यहाँ पर, मैं क्रिएट नहीं करना है हमें। ठीक है, रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड विद इन द सिंगल क्वोट्स या डबल क्वोट्स में हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, मॉड्यूल का नाम लिखेंगे। ओके, विद इन द डबल क्वोट्स एंड द सिंगल क्वोट्स। तो देन गाइस, मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से आपको एक मॉड्यूल का यूज़ करना है रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करके। तो गाइस, यहाँ पर हम जो है रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है, रिक्वायर फंक्शन का एंड देन गाइस यहाँ पर यूज़ करेंगे सिंगल क्वोट्स एंड डबल क्वोट्स। विद इन द सिंगल क्वोट्स वी राइट द नेम ऑफ द मॉड्यूल। तो यहाँ पर मॉड्यूल का नाम क्या है गाइस, कस्टम मोड। अब ये जो दोनों फाइलें हैं वो सेम फोल्डर में हैं, आप देख सकते हैं नोड जेएस नाम का एक फोल्डर है हमारा, उसी में ये दोनों फाइलें हैं, कस्टम मोड एंड डॉट जेएस एल एड डॉट जेएस। तो गाइस, उसके लिए ताकि ये जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर यूज हो सके, तो उसके लिए हम क्या करें गाइस, यहाँ पर लिखेंगे हम डॉट, उसके बाद लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश एंड देन उस फाइल का नाम जो कि हमें यहाँ सजेस्ट हो गई है, कस्टम मोड। ओके, तो ये क्या था, हमारे मॉड्यूल का नाम है कस्टम मोड। ओके, ठीक है, देन गाइस, मैं क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि हमारा जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर एसेस हो चुका है रिक्वायर फंक्शन के थ्रू। तो अब हम उस मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शन हैं या फिर वेरिएबल्स हैं उनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं अपनी मेन फाइल में, यानी आसानी से उसको हम यहाँ पर एसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कंसोल डॉट लॉक का एंड यहाँ पर मैं पास कर दूँगा ऐड फंक्शन को, और वहाँ पर वैल्यू को भी पास करूँगा जो पैरामीटर्स है एंड भी उनकी वैल्यू को पास कर दूँगा, फोर एंड क्या टू। ठीक है, तो गाइज, हमारा सम क्या आना चाहिए, वो सिक्स आना चाहिए। ओके, देन गाइज, क्या करूँगा मैं, देखिए यदि यहाँ पर बिलिंग हो रहा है इस फाइल के अंदर तो ये फाइल रन हो जाएगी, और जब इस फाइल के अंदर बिलिंग होगा आपका कर्सर तो ये वाली फाइल रन होगी, और यहाँ पर आपको एक कर्सर भी शो हो जाएगा, फिर आप सॉरी बटन शो हो जाएगा यहाँ पर रन बटन, फिर आप टर्मिनल में जाकर भी फाइल को रन कर सकते हैं
ओके, वो मैंने आपको बताया हुआ कि आपको क्या कमांड देनी है, आपको नोड लिखना है, देन उसके बाद आपको फाइल का पाथ टाइप कर देना है। और फाइल का पाथ कैसे निकालेंगे, आपने इस फाइल पर जाना है, फाइल पर जाने के बाद आपने जिस भी फाइल का पाथ निकालना है आप उसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कॉपी पाथ, यानी कि शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस सी का यूज़ करके आप फाइल का पाथ यूज़ कर सकते, फाइल का पाथ गेट कर सकते हैं, एंड देन उसको रन करते टाइम यूज़ कर सकते हैं अपनी कमांड में। ओके, तो देन गाइज मैं यहाँ पर alert.js फाइल को रन करने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पर रन करूँगा तो गाइज मुझे यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा, एरर मुझे यहाँ पर गाइज मिल रहा है लॉग एड फॉर टू, और ये कह रहा है रेफरेंस एरर एड इज़ नॉट डिफाइंड, ये कह रहा है कि जो एड है वो डिफाइन नहीं है। जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है कि यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करके हमने मॉड्यूल को तो यहाँ पर एसिस कर लिया है, ठीक है, मॉड्यूल को हमने यहाँ पर एसिस कर लिया रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करके, लेकिन जो ऐड है आप देखेंगे यहाँ पर जो ऐड है उसको तो हमने डिफाइन किया ही नहीं है, या तो वो है यहाँ पर डिफाइन, इस फाइल में तो डिफाइन नहीं है। अब ये जो यहाँ पर हमने जो इस फंक्शन को डिफाइन किया ये यहाँ पर एसिस हो सके, उसके लिए गाइस क्या करेंगे हम, ये जो रिक्वायर फंक्शन है हम इसको एक वेरिएबल वेरिएबल के इक्वल रख देंगे। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉस्ट करके, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉस्ट करके, ठीक है, कॉस्ट, और इसका नाम गाइस मैं रखूँगा क्या क्या रखना है मुझे इसका नाम, मैं इसका नाम रख देता हूँ अभी ऐड, ठीक है, ऐड। ओके, तो अब होगा क्या कि ये जो रिक्वायर फंक्शन के अंदर जो कस्टम मॉड्यूल था इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है पूरे कस्टम मॉड्यूल की वो कहाँ किस में आ चुकी है, इस ऐड के अंदर आ चुकी है, ठीक है, और ऐड यहाँ से एक तरीके से क्या होगा इस वो डिफाइन भी हो गया है। ओके, यानी कि इसके अंदर आ गई है और हमने यहाँ पर भी ऐड को यूज़ किया है, तो जब हम यहाँ पर ऐड जब कंसोल चलेगा हमारा तो क्या होगा वो देखेगा कि ऐड यानी कि ऐड फंक्शन क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ऐड हमने कहाँ पर डिक्लेयर किया, हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, वो देखेगा कि ये किसके इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है कस्टम मॉड्यूल, तो गाइस वो क्या करेगा इस फाइल के पास जाएगा, यानी कि जो कस्टम मॉड्यूल है हमारा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद वो देखेगा किसके अंदर एक फंक्शन है ऐड नाम का। ओके, देन ये जो वैल्यू है ये पास हो जाएंगी इस फंक्शन में और हमारा आउटपुट आ जाएगा द सम ऑफ टू नंबर यानी कि 6, तो कुछ इस तरीके से कोड रन हो रहा है। ओके, ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड अगेन मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा गाइज तो फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिल रहा है, कह रहा है ऐड इज़ नॉट ए फंक्शन, ये कह रहा है कि ऐड जो है वो एक फंक्शन नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर एरर क्यों आया, अब यहाँ पर एरर इसलिए आया कि जो भी फंक्शन है, ठीक है, एक मॉड्यूल के अंदर जो भी हमारे यहाँ पर फंक्शन है या वेरिएबल है हमें उसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो तब जाकर हमारा जो फंक्शन है वो एक्सपोर्ट होगा, कहाँ पर, यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, और तब जाकर हमारा आउटपुट सही आएगा। ओके, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक्सपोर्ट करने के लिए मॉड्यूल डॉट सॉरी लॉग नहीं करना है, एक्सपोर्ट, ओके, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, एक्स, और मैं यहाँ पर अल्ट प्लस का जेड का यूज़ भी कर लेता हूँ अभी दोनों फाइल में अल्ट प्लस जेड ताकि हमारी जो लाइन है वो पैनल में ही शो हो। ओके, ठीक है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। देखिए जो यहाँ पर यह है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या करता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट जो है वो जो फंक्शन होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है, जो हमारी मेन फाइल है जहाँ पर हमने मॉड्यूल को यूज़ किया है, ठीक है, मॉड्यूल को जहाँ पर हमने एसिस किया है, जैसे यहाँ पर हमने एसिस किया है तो यहाँ पर क्या करेगा जो भी इसके अंदर फंक्शन है मॉड्यूल के अंदर वो इसको एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है। और दूसरा क्या करता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स गाइज, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, यानी कि इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स या फंक्शन जो भी हम इसके अंदर डिक्लेरेशन करेंगे इस कस्टम मॉड्यूल के अंदर उन सब का एक तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, फर्स्टली हम जो है इस फंक्शन को ऐड फंक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू करके हम यहाँ पर ऐड लिख देंगे और हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, यानी कि एक फंक्शन नहीं बनाना है यहाँ पर, हमें डायरेक्ट यहाँ पर कोलन का यूज़ करना है। ओके, अब ये जो ऐड नाम का जो फंक्शन है ये एक्सपोर्ट हो चुका है, देन गाइज अगेन हम इसको क्या करेंगे रन करेंगे, आएंगे alert.js फाइल के अंदर और मैं यहाँ पर रन बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रन बटन पर क्लिक किया तो अब हमारा यहाँ पर जो है सम देखने को आपको मिलेगा, सम आ चुका है 6, ठीक
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि यदि आपके पास एक एक फंक्शन तो आपका चल रहा है मॉड्यूल के अंदर, जो एक फंक्शन है कस्टम मॉड्यूल के अंदर वो आपका चल रहा है, आपने उसको एक्सपोर्ट भी कर दिया बड़ी आसानी से, ये तो बहुत बेसिक वाली बच्चों वाली बात हो गई। लेकिन यदि आपके पास एक या एक से अधिक फंक्शन हो, एक तो चल जाएगा, दो या दो से अधिक फंक्शन हो, तब आप क्या यही फॉर्मूला अपनाएंगे, यही तरीका अपनाएंगे उसको एक्सपोर्ट करने का और उसको मतलब कंसोल करने का, जैसे हमने यहाँ पर क्या है, क्या कंसोल हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब आउटपुट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। ओके, मैं यहाँ पर क्या करूँगा गाइस, ये जो फंक्शन है कस्टम मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इसको सबट्रैक्ट फंक्शन, यानी कि मैं इसको नाम दे दूँगा सब, एंड देन गाइस मैं क्या कर दूँगा यहाँ पर माइनस कर दूँगा। ओके ठीक है, माइनस, ओके मैं यहाँ पर इसको एक बार और रन करके देखना चाहता हूँ वैल्यू क्या दे रहा है। हाँ, मुझे ये तो डाउट था कि इसने अनडिफाइन क्यों नहीं दिया, मैंने सिर्फ यहाँ पर कंसोल यूज़ किया, इसने अनडिफाइन अब दिया, पहले नहीं दिया था। तो गाइस मैं आपको बता दूँ अनडिफाइन क्यों दे रहा है, जब हम किसी फंक्शन को बाई रिफरेंस एसिज करना चाहते हैं, यानी कि जब हम किसी फंक्शन को रिफरेंस के थ्रू एसिज करना चाहते हैं कहीं पर भी, किसी एक फाइल में या फिर एक दूसरी फाइल में, तो तब यहाँ पर वो अनडिफाइन देगा। इस अनडिफाइन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, फिर ये अनडिफाइन यहाँ पर नहीं आएगा। अब रिफरेंस के थ्रू मतलब कैसे, मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, आप उसकी जो डेटा है, एक फंक्शन के अंदर जो डेटा है, यानी कि उसके अंदर जो भी यहाँ पर डेटा लिखा रहता है कोड वगैरह, आप उसको एसेस करना चाहते हैं, तो आप रिफरेंस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जैसे कि दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ओके ठीक है, अगर यूज़ नहीं करते हैं तो तब वो अनडिफाइन देगा। ओके, लेकिन यदि आप दिस कीवर्ड का यूज़ करके ही फंक्शन का जो डेटा है उसको एसेस करना चाहते हैं, तो आपको फंक्शन को फिर एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा, तभी वो दिस कीवर्ड का यूज़ करके एसेस होगा और वो अनडिफाइन नहीं देगा। ओके, लेकिन जब हम एक फंक्शन को फिर जब दूसरी फाइल में एसेस कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या हो रहा है गाइस, रिफरेंस के थ्रू एसेस हो रहा है वो, ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पर रिफरेंस दिया है ऐड, ये ऐड रिफरेंस दिया है, यानी कि इसका इस फंक्शन का रिफरेंस दिया है। ओके, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अनडिफाइन दे रहा है, अभी ये अनडिफाइन ना दे उसके लिए हमें रिटर्न का यूज़ करना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, पहले मैं यहाँ पर रिटर्न लिख देता हूँ और उसके बाद देख लेते हैं कि सब चलेगा कि नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पर भी रिटर्न लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद ये अनडिफाइन नहीं देगा, इस सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा इसको फिर से एक बार और रन कर देता हूँ, रन करने के बाद अब ये ओनली 6 दे रहा है, अभी अनडिफाइन नहीं देगा बिल्कुल भी, ठीक है। गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया सब को भी देखते हैं, मैं क्या करूँगा इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं कॉल कर लूँगा सब फंक्शन को, ठीक है। एंड गाइस मैं सब जो फंक्शन है इसको भी मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ओके, सब फंक्शन को भी मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस अब देखते हैं कि क्या ये हमारा आउटपुट मिलेगा, क्या ये सब्ट्रैक्ट होगा और एडिशन भी एक साथ होगा, दोनों चीज़ एक साथ होगी कि नहीं होगी। लेकिन गाइस मैं इसको रन करूँगा, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। एरर कहता है कि सब इज़ नॉट डिफाइंड, सब को आपने डिफाइन ही नहीं किया है, मतलब वही यहाँ पर हमने ऐड को तो डिफाइन कर दिया था, ठीक है, और इसके अंदर जो है इस कस्टम मॉड्यूल की जो है पूरी कस्टम मॉड्यूल पूरा इसमें उतर आ रहा था। ओके, तो इसने यहाँ पर, ठीक है, इसने कहा कि यहाँ पर जो है डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, डिफाइन कर दिया है, और जब भी ऐड चला, ये चला गया सीधे कस्टम मॉड्यूल में रिफरेंस के थ्रू और उसने इसकी वैल्यू दे दी थी, लेकिन सबको हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया। अब आप क्या करोगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने के बाद मैं जैसे मैंने ऐड किया था ऐसे मैं यहाँ सब कर दूँगा, ठीक है, चलिए इस तरह करके देख लेते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है। ये काम कर गया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसने यहाँ पर सिर्फ माइनस किया, यहाँ पर आउटपुट हमारा आया है 2 and 2, यानी कि 4 minus 2 2, एंड ये मतलब एडिशन के टाइम पे भी ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है और सब्ट्रैक्ट के टाइम तो कर ही रहा है ये सब्ट्रैक्ट, यानी कि 2। मैं ऐसा क्या करूँगी ये दोनों फंक्शन मेरे चले, ठीक है, मैं ऐसा क्या करूँ कि दोनों फंक्शन मेरे चले, कि सब्ट्रैक्ट भी हो और एडिशन भी हो। तो गाइस उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर रिफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, रिफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा, और रिफरेंस का यूज़ कैसा होगा देखिए, इसको हम एज इट रहने देते हैं,
और मैं यहाँ से ये एक लाइन हटा देता हूँ, ठीक है, रिक्वायर फंक्शन की। एंड गाइस मैं यहाँ पर जो मॉड्यूल का नाम है उसी नाम को मैं यहाँ पर उसी नाम से मैं डिक्लेरेशन कर देता हूँ, किसका, इस रिक्वायर फंक्शन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे दूंगा नाम कस्टम मोड, ओके। मैंने कस्टम मोड नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड उसमें रिक्वायर फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है, यानी कि रिक्वायर फंक्शन को यहाँ पर डाल दिया, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर ये कस्टम मोड एक क्या है, ये एक तरीके से एक वेरिएबल है जिसमें ये रिक्वायर फंक्शन, इस कस्टम मॉड्यूल की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा गाइज, अब मुझे रिफरेंस चाहिए, अब मुझे रिफरेंस किसका चाहिए, मुझे इस मॉड्यूल का चाहिए, मुझे किसका रिफरेंस चाहिए, ऐड फंक्शन चलाने के लिए मुझे इस कस्टम मॉड्यूल का रिफरेंस चाहिए, और इसका रिफरेंस है मतलब इसका एड्रेस चाहिए, और एड्रेस से मतलब इसका कुछ एड्रेस होगा, यानी कि एड्रेस क्या है इसका, इसका एड्रेस है कस्टम मोड जो कि मैंने यहाँ दिया है, और ये पूरी पूरी वैल्यू भी कहाँ गई है, इसमें आ गई है, ठीक है। यानी कि हमें इस वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा एज ए रिफरेंस इन दोनों फंक्शन को एसिस करने के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी आ जाएगा समझ। देखिए जैसे हम ऑब्जेक्ट के टाइम पर करते थे, हम क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और उसके अंदर से यदि हमें प्रॉपर्टी निकालनी होती थी तो हम उस ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ करते थे, ऑब्जेक्ट डॉट एंड जो प्रॉपर्टी का नाम होता है, ऐसे करके, आपको याद होगा। यदि याद नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट वाली वीडियो देखें जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में जाकर, एंड देन फिर वापस आए और देन आपको ये समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ रिफरेंस जो कि एक कस्टम मोड, ठीक है, कस्टम मोड डॉट एड, ठीक है। ये कस्टम मोड क्या होगा, ये उस ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, और ये ठीक है उसके अंदर बता रहा भी रहा है कि कस्टम मोड के अंदर जो प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन कौन सी है, ऐड है एंड सब्ट्रैक्ट है, ओके। तो गाइस होगा क्या, जब ये कंसोल चलेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कस्टम मोड एंड डॉट, ओके। तो कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो सही आएगा, एकदम एक्यूरेट आएगा। पहले इसका जो है वो देख लेते हैं हम आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में गड़बड़ है, कस्टम डॉट ऐड, कस्टम डॉट ऐड इज़ नॉट ए फंक्शन, ठीक है, कस्टम डॉट ऐड जो है वो एक फंक्शन नहीं है, CSTM कस्टम मोड, ओके। यानी मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कस्टम मोड के अंदर ये कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाए कि हाँ ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एक्सपोर्ट्स में यहाँ पर आएंगे आप, जहाँ पर आपने मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स का यूज़ किया था। देखिए गाइस यहाँ पर हो क्या रहा है, कस्टम मोड एज ए रिफरेंस तो यहाँ पर यूज़ हो गया है, लेकिन अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है ये ऐड एंड सब, हमने सिर्फ यहाँ पर फंक्शन को एक्सपोर्ट किया है ऐड एंड सब, लेकिन जब हम एज ए ऑब्जेक्ट देखेंगे एक मॉड्यूल को, तो अब ये जो प्रॉपर्टी है, अब हमें इस प्रॉपर्टी को भी, जो प्रॉपर्टी है इन प्रॉपर्टी को भी हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड कर देंगे, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट डॉट सब कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे हो गया, देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ये कुछ ऐसे हो गया, ऐड, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई और ऐड ये इसकी वैल्यू हो गई, सिंपल। इसी तरह सब, ठीक है, ये सब हुआ एंड ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है, ये कुछ इस तरह का सीन हो गया। यहाँ जो है कॉलन नहीं आएगा, यहाँ पर कॉम आएगा, ये गाइस कुछ इस तरह का सीन हो गया, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये इसकी जो है ओपन फॉर्म है, यानी कि हमने यहाँ पर खोल के समझा दिया मैंने आपको, और ये यहाँ पर शॉर्ट में है, ये प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू है। वैल्यू में क्या है गाइस, हमने यहाँ पर क्या डाला, फंक्शन डाला। देखिए अगर मैं इस पर जाता हूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा फंक्शन ऐड ए, यानी कि कुछ वैल्यू एनी, और फिर बी इसकी कुछ वैल्यू, तो वही हुआ यहाँ पर ऐड, ऐड प्रॉपर्टी एंड इसकी वैल्यू ऐड, सब प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू भी क्या, सब। तो देखिए अगर मैं एक्सपोर्ट पे भी आऊँगा तो एक्सपोर्ट में भी यही चीज़ आएगी, ठीक है। आई थिंक आपकी समझ में आ गई होगी क्या हुआ है, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी को भी एक्सपोर्ट किया है। फंक्शन को तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर ही रहे थे पहले से, लेकिन हमने यहाँ पर अब प्रॉपर्टी को भी एक्सपोर्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जब कंसोल, जब ये वाली फाइल चलेगी, जब ये वाली फाइल चलेगी तो कंसोल चलेगा, कंसोल डॉट लॉग चलेगा, वो देखा कस्टम मोड, ठीक है, कस्टम मोड। अब वो क्या करेगा, कस्टम मोड पर जाएगा, ठीक है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, कस्टम मोड। तो देखिए कस्टम मोड कहाँ है, कस्टम मोड कहाँ है गाइस, यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है,
ये वेरिएबल है, कस्टम मोड वेरिएबल यहाँ पर है, ओके। उसके बाद अब कस्टम मोड में क्या हुआ है, कस्टम मोड में ये वाली वैल्यू डली हुई है यानी कि कस्टम मॉड्यूल की, और ये कहाँ पर है मॉड्यूल, ये हमने बना कर रख दिया यहाँ पर, ये है पूरा का पूरा, ओके। अब उसके बाद चलेगा कस्टम मोड, ठीक है कि भाई कस्टम मोड, कस्टम मोड में जो वैल्यू है वहाँ पर जाओ, यानी कि इस पाउच का नाम क्या है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कस्टम मोड है, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई जो मैंने आपको पहले ही बताई है ऑब्जेक्ट के टाइम पे, कि यहाँ पर प्रॉपर्टी है मान लीजिए ए एंड बी, ओके, और जो ये पाउच है यानी कि एक पाउच है, ठीक है, इसका नाम मान लीजिए, इसका नाम है सी। अब मैं कहता हूँ कि भाई सी नाम का जो पाउच है उसके अंदर जो ए है, ए नाम का जो फंक्शन है उसको लिया उठा के, वो क्या करेगा, दो नंबर का ऐड कर देगा। तो मैं पहले कहाँ जाऊँगा भाई, मैं सी के पास जाऊँगा ना, मैं सी के पास जाऊँगा ना, सी नाम का जो पाउच है वहाँ जाऊँगा, इस एड्रेस पर जाऊँगा, फिर मैं कहूँगा आवाज़ लगा के कि भाई जो ए नाम का जो फंक्शन है वो आ जाए और दो नंबर का ऐड कर दे। इसी तरह फिर मैं दोबारा से फिर सी के पास आऊँगा और मैं कहूँगा कि भाई जो बी नाम का जो बंदा है वो आ जाए और सबट्रैक्ट कर दे, कुछ इस तरह का यहाँ पर ये लॉजिक चल रहा है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा, सिंपल है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर वही हुआ है, कस्टम मोड ये गया यहाँ पर कस्टम मोड के पास, और यहाँ पर जो है किसकी वैल्यू डली है, कस्टम मॉड्यूल की वैल्यू डली हुई है जो कि यहाँ पर है। अब ये कह रहा है कि ऐड ऐड करो, ठीक है। अब इसके अंदर जो ऐड है वो ऐड के पास जाएगा, ऐड को ढूंढेगा, तो वो क्या करेगा, इस ये जो फंक्शन है हमारा ऐड, ये रन, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ पर जो 4 और 2 की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी ए एंड बी के अंदर, ठीक है, ए एंड बी के अंदर जाएगी, ओके। और जब ये एंड बी के अंदर जाएगी तो ये हमें क्या कर देगा, सम दे देगा। तो भाई इसी तरीके से जो है सबट्रैक्ट के केस में होगा, कस्टम मोड जो है यहाँ जाएगा, ठीक है, इस वेरिएबल के पास, और ये देखेगा कि इसमें जो है ये वाली वैल्यू डली हुई है और ये हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, तो ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर कस्टम मोड नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ये सबट्रैक्ट को ढूंढेगा, और फिर सबट्रैक्ट को ढूंढने के बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये भी इसी तरीके से चल जाएगा, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ जो है प्रॉपर्टी एक्सपोर्ट हो रही है किसकी, इस पूरे ऑब्जेक्ट की, एंड और उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है यानी कि वैल्यू क्या है, फंक्शन, ऐड फंक्शन है और सब प्रॉपर्टी की सब फंक्शन है, तो वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है किसके अंदर, इसके इस फाइल के अंदर, किसके थ्रू, रिक्वायर फंक्शन के थ्रू, जहाँ पर हमने मॉड्यूल यूज़ किया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, ओके। अब हम जो है अपना डायरेक्ट कोड करते हैं आसानी से, और हमें समझ नहीं, बहुत आसानी होगी अब, ठीक है। अरे भाई ये क्या हो गया, डॉट डॉट हो गया सारे में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ओके। तो गाइस एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद एक बार यहाँ पर क्या हो गया, ओके ठीक है ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं, एंड इसको एक बार रन कर देते हैं, आउटपुट अपना देख लेते हैं क्या आ रहा है, 6 and 2 आ रहा है, ठीक है। अब बात गाइस आती है क्या, अब बात आती है ये कि क्या आप मान लीजिए आपके पास 10 फंक्शन है, तो क्या आप 10 बार एक्सपोर्ट करोगे या फिर 10 बार इस तरीके से कंसोल कंसोल लिखोगे। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मुझे बार बार ये कस्टम मोड ना लिखना पड़े, मतलब वो ये मान लीजिए 10 फंक्शन है, तो आप क्या 10 बार कंसोल लॉग के अंदर बार बार कस्टम मोड डॉट एट कस्टम डॉट मोड डॉट सब एंड कस्टम मोड डॉट मल्टीप्लाई कस्टम मोड डॉट एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसे क्या कितनी बार लिखोगे। कुछ मैं ऐसा करूँ कि सिर्फ मैं ऐड लिखूँ और मेरा फंक्शन जो है वो मेरा आउटपुट मुझे मिल जाए, फंक्शन रन हो जाए, सब लिखूँ तो सबट्रैक्ट फंक्शन रन हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए। तो भाई देखिए मैंने बताया था कि जो एक्सपोर्ट है यहाँ पर जो है एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जो कि मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था, जो आप देख भी रहे होंगे, ए मतलब एक प्रॉपर्टी है और उसकी कुछ भी वैल्यू, बी प्रॉपर्टी और उसकी कुछ भी वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, ठीक है। देन गाइस क्या मैं ये कर सकता हूँ कि जो ये ऐड प्रॉपर्टी है एंड जो सब प्रॉपर्टी है, क्या डायरेक्ट मैं इसको यहाँ पर पास कर सकता हूँ, ठीक है, देख लेते हैं कैसे पास होगी। लेकिन पास करने का जो सिंटैक्स है वो क्या रहेगा, मैं उसको निकाल लेता हूँ एक बार। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कंसोल का, कंसोल डॉट लॉग, एंड मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देगा कि ऐड प्रॉपर्टी है और इसका फंक्शन ऐड है, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा क्या, कस्टम मोड, ठीक है। अब वही चीज़ है, ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर पास कर दिया और इसकी वैल्यू क्या है, ये पूरे का पूरा रिक्वायर फंक्शन यानी कि पूरा पूरा मॉड्यूल हमारा, ओके। तो अब ये क्या करेगा,
जाहिर सी बात है ये पूरा पूरा एक तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, एंड एंड ऐड है एंड सब है, तो इनको ये आई थिंक ये इनको पेस्ट कर देगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ गाइस, सेव करेंगे सबसे पहले एंड देन उसके बाद में इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक आउटपुट देखने को मिलेगा, ऐड फंक्शन सब फंक्शन। तो ये हो गई ना वो वाली बात जो मैं आपको बता रहा था कि ऐड नाम की प्रॉपर्टी, ठीक है मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखो इसको ऐसे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर पेस्ट होंगे। ओके तो आ गई ना वही वाली चीज़ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है, प्रॉपर्टी है एंड उसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन ऐड। फिर सब प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन, ठीक है, सॉरी सब फंक्शन है। तो ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इससे आ रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है। ओके जो हमने मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया है उससे आ रही है। तो देन गाइज मैं क्या करूँगा, सिर्फ अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँ इसी तरह ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कि यहाँ मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा, ऐड यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड के अंदर ही क्या यूज़ करूँगा, सब प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। ओके अब ऐड के, ऐड प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ये ऐड फंक्शन है, ठीक है, और सब प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, सब फंक्शन है, सिंपल। मैं एक बार इसको यहाँ से नीचे से हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करूँगा इसको यहाँ से कमेंट करूँ कि ना करूँ, ठीक है, अभी नहीं करते हैं। ओके अब यहाँ पर ये कोड कैसे रन होगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ से कैसे पेस्ट हो गया। ओके और मैं क्या करूँगा, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब हम देखेंगे अपना आउटपुट, और अब मुझे क्या करना पड़ेगा गाइज, कस्टम मोड मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कस्टम मोड के अंदर जो एज ए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह जो आ रही थी प्रॉपर्टी निकल के, वो हमें मिल गई है, ठीक है, वो सिंटैक्स हमें मिल गया है। देन गाइज मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं पूरे कंसोल को, ठीक है, और मैं क्या करूँगा इस कस्टम मोड को यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ आपको ऐड लिखना है, और मैं यहाँ से सब में, मैं सब वाले कंसोल से भी कस्टम मोड को हटा देता हूँ। अब बात वही आ गई कि ये ऐड प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू क्या है, ये ऐड फंक्शन है, ये सब प्रॉपर्टी है और इसकी प्रॉपर, इसकी वैल्यू क्या है, ये सब फंक्शन है। तो देखते हैं कि रन होता है कि नहीं होता है। ओके क्लिक करते हैं रन बटन पर, तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 6 and 2 मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने ये वाली प्रॉब्लम सोल्व कर दी कि हमें बार बार कस्टमाइज कस्टम मॉड्यूल नन लिखना पड़े। ओके जो भी यहाँ पर वेरिएबल है, जिस वेरिएबल से हम यहाँ डिक्लेरेशन करेंगे एंड उसको डिफाइन करेंगे एज ए रिक्वायर फंक्शन, तो वो वैल्यू यहाँ पर हमें बार बार नन लिखना पड़े, तो उससे तो हमने छुटकारा पा लिया है। लेकिन ये जो मॉड्यूल एक्सपोर्ट है, ये बार बार ऐसा क्या करूँ कि मैं बार बार ना लिखना पड़े मुझे, तो गाइज करना कुछ नहीं है, वही है कि यहाँ पर हम जो है क्या कर रहे थे कि ये प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू क्या है, ये ऐड फंक्शन है। तो गाइज इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अब। ओके मैं क्या करूँगा गाइज, इनको कर देता हूँ मैं कमेंट, ठीक है, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा वरना फिर से मुझे वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट्स, और इक्वल में मैं क्या करूँगा यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड प्रॉपर्टी है एंड गाइज उसकी वैल्यू है ये ऐड फंक्शन, ठीक है, जो सॉरी यहाँ पर ये कोलन यूज़ होंगे, यहाँ पर ये कोमा यूज़ होगा सेपरेट करने के लिए। देन गाइज ये सब प्रॉपर्टी है एंड गाइज उसकी जो वैल्यू है ये सब फंक्शन है। ओके अब देखते हैं कि क्या अब भी रन हो जाएगा, बात वही है, ये ऐड प्रॉपर्टी, एक काम करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं, ये ऐड प्रॉपर्टी है तो ये एरी यहाँ पर पास कर दी हमने, एंड जो सब प्रॉपर्टी है उसको भी हमने गाइज यहाँ पर पास कर दी। अब ऐड प्रॉपर्टी किसके इक्वल है, ऐड फंक्शन के, ओके, और सब प्रॉपर्टी किसके इक्वल है, सब फंक्शन के। तो गाइज हुआ वही है यहाँ पर हमने कि जो ऐड प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है एंड जो उसकी वैल्यू है, हमने उसको पूरी की पूरी को एक्सपोर्ट कर दिया है, कहाँ पर, तक एक्सपोर्ट्स कर दिया है यहाँ पर इस फाइल के अंदर जो हमारी मेन फाइल है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का यूज़ करके। अब होगा क्या, ये दोनों फंक्शन हैं ये एक्सपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। ओके एंड गाइज देखते हैं कि अभी भी हमारा जो आंसर है, हमारा आउटपुट जो है वो वही आता है क्या। तो आएंगे इस मेन फाइल में add.js के अंदर, देन फिर से रन बटन पर क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो सेम देखने को मिलेगा, 6-2। ओके इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 9।
ताकि सबट्रैक्शन का पता लगे। फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पर 6 एंड माइनस 5, ठीक है, 4 माइनस 9 तो माइनस के 5 आएंगे, जाहिर सी बात है। ओके देन गाइज, यदि मुझे कोड को और अंडरस्टैंड और रीडेबल कोड बनाना है और ऐसा कोड बनाना है कि आसानी से मुझे समझ में आ जाए, और ये मुझे यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू दी है, मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे ये भी ना देनी पड़े, तो भाई उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, करना कुछ नहीं है, ये जो हमने दोनों जो दोनों फंक्शन है हम इन्हीं को एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है समझने के लिए। अब क्या होगा, सिर्फ हमें फिर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमें एक बार मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा, और हमारे जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे इस मेन फाइल में। मैं आपको ये वाला जो जो तरीका है, ये लास्ट तरीका है मॉड्यूल को क्रिएट करने का, कस्टम मॉड्यूल को क्रिएट करने का और एक्सपोर्ट करने का, वो इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास 10 मॉड्यूल हैं, तो क्या आप बार बार लिखेंगे क्या कि ऐसे मैं लिखूँ यहाँ पर मल्टी और फिर कोलन, फिर मैं यहाँ पर लिखूँ मल्टी, तो ऐसे लिखते रहोगे क्या? इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें, इससे छुटकारा पाने के लिए गाइज हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए क्या करेंगे हम, करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, जो जितने भी हमारे फंक्शन हैं उनको एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर डालने से मतलब है यहाँ पर मैं लेट करके एक वेरिएबल बनाऊंगा OBG, ठीक है, ऑब्जेक्ट करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू करूँगा एंड यूज़ करूँगा गाइज कर्ली ब्रेसेस का, एंड देन जो मॉड्यूल हैं उनको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और ये जो नीचे मेरे जो फंक्शन है दोनों इनको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब गाइज ऑब्जेक्ट ऐसे तो बनता नहीं है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है मैंने आपको बताया कि इस तरीके से बनता है, विद इन द कर्ली ब्रेसेस आपको प्रॉपर्टी के इक्वल वैल्यू रखनी पड़ती है। ओके देन गाइज मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस ऐड को हटा देता हूँ, और मैं इस ऐड को सेम ऐसे ही होगा बिल्कुल, ऐड इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है, और देन इसी तरह यहाँ पर सब वही चीज़ हो रही है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये ऐड फंक्शन ही तो है यहाँ पर, तो और यहाँ पर भी क्या है, ये ऐड ही फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं सब कॉलन, यानी कि ये प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या है, ये फंक्शन है। अब कह रहा है कि ये एरर दे रहा है, तो हमें मुझे इसको सेपरेट करना पड़ेगा बाई यूजिंग ऑफ कॉमास। ओके तो गाइज अब ये चलेगा कैसे, एक्सपोर्ट कैसे होगा वो देख लेते हैं, क्या डायरेक्ट ऐसे कोड चल जाएगा? अब कोड नहीं चलेगा। देखिए आप कहोगे कि हमने प्रॉपर्टी तो यहाँ पर दी हुई है ऐड एंड सब, तो कोड क्यों नहीं चल रहा है? तो मैं बता देता हूँ आपको कोड क्यों नहीं चल रहा है, कोड इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। अब हमें देखिए क्या कह रहा है, ऐड इज़ नॉट डिफाइंड, ऐड इज़ नॉट डिफाइंड का मतलब यह है कि उसको रिफरेंस नहीं मिल रहा है, रिफरेंस एरर आ रहा है, ठीक है। तो रिफरेंस एरर से बचने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमें जिस नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को ही, अब इसके अंदर 1000 फंक्शन भी हो सकते हैं, 10000 फंक्शन भी हो सकते हैं, 20 वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल को एक्सपोर्ट करना है। तो करेंगे कैसे, देखिए गाइज मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और कुछ नहीं करना है, मैं रख दूंगा OBJ, सिंपल, ठीक है, बस कहानी ख़त्म। ओके सिंपल सा कोड है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर जो है ये फंक्शन बना दिए कुछ इस तरीके से, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इस तरीके से फंक्शन बनते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पर हमने उस ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेंगे फिर से OBJ करके, जैसे हमने कस्टम मोड बनाया था। बस अब हमें यहाँ थोड़ी सी मेहनत लगेगी कि हमें यहाँ पर OBJ डॉट का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि वही वाली कहानी होगी ना कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर से जब हम प्रॉपर्टी निकालते थे तो वो ऐसे तो निकालते थे ऑब्जेक्ट डॉट एड ऑब्जेक्ट डॉट सब, यानी कि उसको रिफरेंस मिलता था, ठीक है। वही बात हो गई ना कि क्या होगा, ऑब्जेक्ट को बुला रहे हैं हम, तो क्या होगा, ये पहले यहाँ पर जाएगा, वहाँ पर नहीं जाएगा डायरेक्ट उस फाइल में, फिर ये वाली फाइल आ गई, ये पूरा कस्टम मॉड्यूल है, ये कहाँ रखी हुई है फाइल, ये हमारी फाइल, ये रही यहाँ पर, क्योंकि ये किसका नाम है, फाइल का ही तो नाम है, जो हमारे मॉड्यूल का नाम है वही क्या है, मतलब जो फाइल का नाम होता है वही मॉड्यूल का नाम होता है। ओके अब इसके अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, फिर ये ऐड कॉल, हमने यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल किया, तो ये यहाँ से इस ऐड को उठा लेगा और यहाँ पर ये वैल्यू डाल देगा और ये पूरा रन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी चल रही है, ठीक है, मतलब ये कोड चल रहा है, सॉरी। ओके देन गाइज मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा OBJ डॉट सब, तो अब हमारा आउटपुट, देखिए कोड कितना छोटा हो गया है, तो अब हमारा जो आउटपुट है वो वही मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए, जो कि सही है,
थोड़ा ही हटा देते हैं, ये डॉट अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब ठीक है, थोड़ा साफ हो गया पैनल हमारा। तो गाइज रन करते हैं add.js के अंदर और रन करते हैं। तो जैसे ही गाइज मैं यहाँ पर रन करता हूँ, आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, 6 एडिशन है एंड -5 सब्ट्रैक्शन है। ओके, आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एक मॉड्यूल को क्रिएट करना है, कस्टम मॉड्यूल को क्रिएट करना है, एंड देन उसको अलग अलग तरीके से किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है। और लास्ट में मैंने बताया कि आपको किस तरीके से सिर्फ एक लाइन में आप पूरे के पूरे मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ पर फिर उसको एज ए ऑब्जेक्ट डॉट, ये वाली बहुत ही अच्छी लगता है ये वाला फीचर, ऑब्जेक्ट डॉट करो और जो भी उसके अंदर फीचर पड़ा हुआ है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी उसके अंदर पड़ी है उसको निकाल लो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बता भी रहा है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जा रहा हूँ, ये बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी रखी हुई है। अब भाई रुक जा, ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है एड एंड सब्ट्रैक्ट, इनको निकाल लो। तो वो ये हमें पता है किस तरह निकलता है, ऑब्जेक्ट डॉट और जो प्रॉपर्टी है डॉट करके उस प्रॉपर्टी को बुलाओ और निकाल लो। कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी लूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ, क्या मैंने यहाँ पर लिखा अपना नेम, या चैनल का नेम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर चैनल का नेम, क्या मिस्टर डेडलॉक। ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे यदि आप नए हैं, और प्लेलिस्ट को जाकर भी एक्सेस कर ले। ठीक है गाइज, ओके, नहीं ये नहीं यूज़ होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, मैं फिर से कंसोल यूज़ करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, ओके। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर से ये नेम प्रॉपर्टी निकालनी है, तो सिंपल है, मैं यूज़ करूँगा obj का डॉट, उसके बाद नेम का, देन गाइज मुझे नेम भी मिल जाएगा। अब तो कुछ इस तरीके से, आई थिंक आपको समझ आएगा किस तरीके से काम कर रहा है। एडिशन 6 हो गया, -5 एंड मिस्टर डेड लॉग, ये हमारा चैनल है, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक कस्टम मॉड्यूल क्रिएट होता है एंड किस तरीके से हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड एक कमेंट ज़रूर करें, एंड अपने एक दोस्त को शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।